हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे पास है बहुत अच्छी टॉयज कार है, डब्लू एंड डबल वन डबल सिक्स, बहुत ज़्यादा फेमस है भैया। आप अगर फॉर्च्यूनर लेना चाहते हो ना बच्चों के लिए, तो इससे बेटर कोई चीज़ नहीं होगी। इसमें तीन वेरिएंट आते हैं, पहला आता है ग्रे, सेकेंड आता है वाइट, थर्ड आता है रेड कलर। हमको पसंद आया ग्रे कलर, तो हमने ले रखी ग्रे कलर में कार। ठीक है, बहुत अच्छी हैवी क्वालिटी। वीडियोस में बहुत कुछ दिखाता है कि इसमें आगे एक बंदा बैठ जाता है, पीछे बंदा बैठ जाता है, अंदर बंदा बैठ जाता है, पर मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अंदर एक बंदा बैठ सकता है मेरे जितना, बट पीछे और आगे नहीं बैठ सकता है, क्योंकि वो चाइनीज़ वीडियोस होते हैं, सुनने से कुछ ना कुछ फेंकते रहते, तो उतना ज़्यादा ट्रस्ट मत किया करो। तो आप आ जाइए थोड़ा सा पास में, हम स्पेसिफिकेशन बताते हैं इस कार के बारे में। फंडा ये है, इस कार में टोटल 5 टायर होते हैं। ठीक है, दो आगे लगे हुए, दो पीछे लगे हुए, एक स्टेपनी दी गई है। ये स्टेपनी ओरिजिनल टायर है, ये कोई फेक टायर नहीं है। आप इसको निकाल के कोई टायर डैमेज होता है तो उसकी जगह आप चेंज कर सकते हो। उसके अलावा दूसरा फंडा ये है कि आप इसके टायर बाहर से भी आप नए खरीद सकते हो, अगर आपके टायर कोई डैमेज हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसके स्पेसिफिकेशन इंटीरियर की पहले बात करते हैं। तो आप इंटीरियर की सीट देख रहे हो, ये मैंने मॉडिफाई करवाई है। ठीक है, आप यहाँ पर एक्टिवा का कवर देख रहे हो, ये कवर मैंने एक्स्ट्रा डाला। एक्चुअली इसकी जो सीट आती है प्लास्टिक की आती, तो ये मैंने खुद किया है, मतलब अपनी कलाकारी की है इसमें। तो ये मैंने सीट कवर डाल दिया है और ये थोड़ा सा स्पंज मैंने डलवा दिया है, ताकि क्या हो, बच्चा कोई भी बैठे उसको कंफर्ट फील हो। इस कार का जो फुट है वो डैमेज नहीं हुआ, इसके लिए मैंने ये रैपर डलवा दिया। उसके अलावा जो स्टेयरिंग है ओरिजिनल टाइप का, अगर आप यहाँ से अगर टर्न करोगे रिमोट से तो भी यहाँ से टर्न होगा, और एक्चुअली अगर आप ट्राई टर्न करने की कोशिश करोगे तो आप फील ले पा रहे हो कि ये सच में टर्न होता है। यहाँ पर आप एडिशनल कोई भी बटन लगा सकते हो, अगर आप इस कार को मॉडिफाई करना चाहते हो यहाँ पर भी आप बटन लगा सकते हो। ये पूरा कटिंग के लिए स्पेस दिया गया, यहाँ पर भी आप दो बटन लगा सकते हो, यहाँ पर एक और बटन है, वहाँ पर भी आप अपना एडिशनल ये टोटल आप बटन लगा सकते हो। और आपको कुछ मीटर की बात करूँ, मीटर पूरा डमी है, कोई ओरिजिनल मीटर नहीं, कोई स्पीड नहीं बताती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बात करूँगा, ये जो है इतना सा पोर्शन आपको ओरिजिनल दिया गया, उसमें आपको है ड्राइविंग डी मतलब फॉरवर्ड और आर मतलब रिवर्स। ठीक है, जैसे डी दबाते हैं फॉरवर्ड, ओके, आर दबाएंगे बैक ऑफ, बार बार साउंड करेगी बैक ऑफ, ओके। हम इसको बंद कर लेते हैं, बैक ऑफ फॉरवर्ड। उसके बाद ये ऑन ऑफ का बटन है, ऑन ऑफ इसको चालू बंद कर सकते हो। वॉल्यूम अगर बढ़ानी है या फिर वॉल्यूम कम करनी है तो वॉल्यूम कम, वॉल्यूम बढ़ाने के होल्ड करके इसको रखोगे तो वॉल्यूम डाउन होगी, होल्ड करके इसको रखोगे तो वॉल्यूम हाई होगी, सिंगल क्लिक करोगे तो नेक्स्ट गाना प्ले होगा, सिंगल क्लिक ये वाला बटन दबाओगे तो बैक वाला गाना प्ले होगा। ठीक है, उसके बाद है मोड। मोड से क्या होता है कि हमारी जो फ्रंट की हेडलाइट है, यहाँ वाली और आगे की जो हेडलाइट है वो बंद चालू होती है। जैसे देखिए अभी ये ब्लिंकिंग मोड में गया है, टर्न ऑफ द लाइट, अभी लाइट आगे की जो है वो बंद हो चुकी है, फिर turn on the light. अभी लाइट ऑन हो चुकी है। ये है झूला जिसको हम स्विंग बोलते हैं, इसको अगर दबाएंगे तो स्विंग होगी गाड़ी, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे इस तरीके से स्विंग होगी। इसको हम बंद कर देते हैं, ये है बस इसका स्पेसिफिकेशन। उसके अलावा स्टेयरिंग में दो बटन दिए हैं, एक म्यूजिक का, दूसरा हॉर्न का। हॉर्न का देखेंगे, सिंगल क्लिक पे दो बार हॉर्न बजता है, ये म्यूजिक है। यहाँ से मैंने बंद कर दिया तो इसे म्यूजिक भी बंद हो जाता है। ठीक है, यहाँ से चालू होता है म्यूजिक, वहाँ से बंद हो जाता है। तो ये इसके स्पेसिफिकेशन है, बस इतने से उसके अंदर आते हैं। एडिशनल आपको कुछ भी मॉडिफाई करना है तो कर सकते हो। यहाँ पर ऑक्स और यूएसबी भी दिया हुआ है, ऑक्स देख पा रहे हो, यहाँ पर ऑक्स है, यहाँ पर यूएसबी दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों है, अगर आप चार्जिंग करना चाहते हो कोई भी अपना सेलफोन या फिर यूएसबी के थ्रू इसको कनेक्ट करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। ऑक्स आपको पता ही है, फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए, गाना बजाने के लिए। स्पीकर की क्वालिटी की बात करूँ, जो इंटरनल साउंड है इसका, जो एग्जिस्टिंग साउंड है जो इसकी कंपनी ने दिया है, वो साउंड बहुत अच्छा है। फ़ोन से आप कनेक्ट करोगे तो थोड़ा सा फट जाता है साउंड, अदरवाइज आप खुद चेक कर सकते हो। कार के हिसाब से बहुत अच्छा साउंड दिया है। साइज़ में बहुत ओवर साइज है, एक्स्ट्रा साइज है, इससे बड़ी गाड़ी मेरे ख्याल से मिलती भी नहीं है टॉयज़ में। और अगर बाय डिफॉल्ट कोई एक आदमी बन गई फ्यूचर में तो वो बहुत ज़्यादा ही एक्सेस साइज होगी। दिस इज़ द फाइनल साइज एंड इसमें एक साल से लेके बच्चा 10 से 12 साल तक का आराम से चला सकता है, कोई भी बिंदास चला सकता है, बहुत अच्छी गाड़ी है। और बाकी की मैं बात करूँ, ये जो मिरर है डमी है, इसमें कोई मिरर वाला है नहीं, सब डमी चीज़ें। गेट की बात करूँ तो काफ़ी लोग बताते नहीं हैं, इसके जो गेट हैं यहाँ पर एक क्लिप दिया गया है। ठीक है, आपको इसको प्रेस करके खोलना है, इसको प्रेस करके ही बंद करना है। डायरेक्ट बंद करोगे
सर्टेन टाइम पे बंद तो हो जाएगा, पर ये डैमेज होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आपने प्रेस किया, बंद चालू कर दिया। फ्रेंड्स, और मैं चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हमने जो टायर है उसको हमने ग्रीप कर दिया, इससे रैपर बोलते हैं, इसको रैप कर दिया, उसके बाद टेप लगा दी, उसके बाद ये आप देख पा रहे होगे ये जो है रबड़ के जो हमारे बाइक्स और साइकिल के ट्यूब होते हैं वो हमने कट करके चारों में लगा दिए। इससे क्या होगा कि इसको ग्रिप भी मिलेगा, और दूसरी बात ये चीज़ ना, यहाँ के जो टायर है वो डैमेज नहीं होगा, क्योंकि ऑफ रोड गाड़ी है, बाई डिफॉल्ट घर के अंदर कितना चलाओगे, बाहर तो आप बाई डिफॉल्ट चलाओगे, तो सिंपल सी बात है, टायर गंदे ना हो, चीज़ गंदी ना हो, उसकी वजह से हमने लगाई। रैपिंग 90% नहीं आती, ऊपर की जितनी भी एक्स्ट्रा रैपिंग आपको दिख रही है ये सब हमने एक्स्ट्रा की है, खुद की है, कोई गाड़ी वाला करके नहीं देता है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका जो वीक पॉइंट है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसका वीक पॉइंट है बम्पर, दिखने में बहुत सही लग रहा है, मजबूत लग रहा है, पर प्लास्टिक देखिए बहुत वीक है बम्पर का, ठीक है। कोई बच्चा इस पर खड़ा नहीं हो सकता, ये आगे से ठुक गई तो बम्पर क्रैक हो सकता है। यहाँ से थोड़ा सा मजबूत है ये सा पैनल, ये वीक है क्योंकि इसके अंदर ऐसा लग रहा है जैसे एम्प्टी स्पेस है, इसमें कोई भी डिक्की नहीं है, इस गाड़ी के अंदर कोई भी स्पेस खुलता नहीं, इसके अंदर आप कोई भी सामान नहीं रख सकते। सीट के नीचे थोड़ा सा स्पेस दिया गया है जहाँ पर मशीनें लगी हुई है, इसका जो सेंसर वगैरह लगे हैं वहाँ पर कुछ सामान आप रख सकते हो, पर ज़्यादा लोडिंग वाले सामान ना रखो। यहाँ से कभी भी गाड़ी आप उठाना मत, सर्टेन टाइम के लिए आप उठा के लेके जा सकते हो, फिर बाद में आप उठा नहीं पाओगे, उठाओगे तो क्रैक होने की पॉसिबिलिटी है। ये भी सिर्फ शो अप है, ये सब यहाँ से अगर एक बार भी ठुक गई गाड़ी जोर से तो ये पूरे क्रैक हो जाएगी। उसके अलावा मैं बैक साइड का मैं पैनल दिखाता हूँ कि इसका जो एक्चुअली गाड़ी उठाने का फंडा किधर है। यहाँ पर कंपनी ने बहुत अच्छा सिस्टम दिया है, यहाँ पर एक रॉड दिया है जिसको आगे और बाहर कर सकते हैं। आप रॉड देख पा रहे हो, रॉड को आगे पीछे बाहर कर सकते हो, ये रॉड को आप उठा के गाड़ी को आराम से उठा सकते हो, ठीक है। गाड़ी का वेट ऑलमोस्ट 35-40 kg के बिटवीन है, और हैवी क्वालिटी फील होता है कि हाँ भाई चीज़ अच्छी है, पैसे जितने लगे उसके हिसाब से गाड़ी बहुत अच्छी मिली। उसके अलावा एक और वीक पॉइंट दिखाता हूँ इसका, इसके आप सस्पेंशन देख पा रहे हो, यहाँ पर ग्रीन कलर के स्प्रिंग दिए गए हैं, आप आगे भी देख पा रहे हो ग्रीन कलर के, इट्स 100% डमी, ऐसी कोई अंदर स्प्रिंग नहीं है आगे में, तो सस्पेंशन के अंदर स्प्रिंग भी नहीं है, अंदर साइड में, पीछे साइड में खाली सस्पेंशन के अंदर स्प्रिंग है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा मूवमेंट होता है। आगे साइड में अगर आप देखोगे तो कोई स्प्रिंग है ही नहीं, तो आगे के पूरे फेक है सस्पेंशन, पीछे के हैं, और ये जो ग्रीन वाली स्प्रिंग है वो सिर्फ शो अप के लिए प्लास्टिक का ग्रिप है, ताकि आपको फील हो कि सस्पेंशन, अदरवाइज कोई सस्पेंशन है ही नहीं इसके अंदर। दो पीछे के हैं छोटे छोटे स्प्रिंग वाले, आगे में डमी है। फ्रेंड्स, बात करूँगा मैं रिमोट के बारे में, तो रिमोट आप देख पा रहे हो, ऊपर ट्रांसमीटर लिखा हुआ है, सिंपल सा रिमोट है। थोड़ी सी इस रिमोट में गड़बड़ी हुई वो मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं इसके फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ लिखा आप मतलब आगे जाएगी, यहाँ लिखा बैक मतलब पीछे आएगी। इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हो एस, एस का मतलब ये होता है कि आपकी स्पीड, स्पीड के लिए यहाँ पर तीन पॉइंट आएगी, ये इंडिकेटर है, ठीक है। सिंगल बार क्लिक करोगे, ये सेकेंड टाइम क्लिक कर दिया तो सेकेंड लाइट में चली गई, ठीक है। थर्ड टाइम क्लिक करोगे तो थर्ड लाइट में चली गई, मतलब स्पीड 1, 2, 3 तीन बार स्पीड बढ़ती है, ठीक है। तो इसको हम सिंगल पे क्लिक कर देते, क्योंकि सिंगल पे अगर आप घर के अंदर चला रहे हो तो सेफ है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है एम, एम मतलब होता है मोड, जैसे कि मैंने बोला स्विंग, तो आप इसको जैसे दबाओगे तो गाड़ी स्विंग होगी, झूले के टाइप आगे पीछे होगी। उसके बाद लिखा है यहाँ पर पी, पी का मतलब होता है पार्किंग, अब इस बटन को दबा दो फिर यहाँ के सारे फीचर्स लॉक हो जाएगा, आप कोई भी बटन दबाओ कुछ वर्किंग नहीं करेगा, ठीक है। फिर से पी दबाओगे तो अनलॉक हो जाएगी। राइट साइड का इंडिकेटर है और ये लेफ्ट साइड का इंडिकेटर है, ठीक है। तो इससे आप राइट और इससे आप लेफ्ट साइड में टर्न ले सकते हो। उसके अलावा इसके अंदर जो फॉल्ट है वो मैं आपको बताता हूँ, आगे पीछे आपको समझ में आ जाएगा, पर राइट अगर यहाँ होता और लेफ्ट यहाँ पर होता तो चीज़ें आसान होती ड्राइविंग के लिए। ये सेम इधर दे दिया, तो जब आप ड्राइविंग करते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि राइट लिया है कि लेफ्ट लिया हुआ है। तो जो हाथ होते हैं वो हमेशा ऐसे ऐसे जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट राइट के लिए, ना कि ऊपर नीचे जाते। तो ये थोड़ी सा एक फॉल्ट है इस चीज़ का, ये अगर वो कंपनी वाले सही कर दे तो बहुत अच्छी बिकेगी। सो गाइस, आज के लिए इनफ, वीडियो भी ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।